आप देख रहे हैं TNB। युवाओं के लिए फरवरी का महीना बहुत ही खास होता है। फरवरी को प्यार का महीना भी कहा जाता है। फरवरी के पहले हफ्ते से ही प्यार के इम्तिहान के दिन शुरू हो जाते हैं। आशिकों के लिए एक हफ्ते की प्यार की परीक्षा होती है, जिसमें उन्हें हर पेपर में पास होना होता है। कुछ नए आशिक होते हैं जो इन परीक्षाओं में शामिल होकर नए रिश्ते में जुड़ने की कोशिश करते हैं। वही कुछ पुराने इश्क के स्टूडेंट होते हैं जो हर साल इस परीक्षा में शामिल होकर हर बार से अधिक अंक लाने की कोशिश में होते हैं। अगर इस साल आप भी वैलेंटाइन वीक मनाने की तैयारी में हैं, तो प्यार के परीक्षा की डेट शीट चेक कर लें। परीक्षा में पास होने के लिए जान लें कि किस दिन कौन सा पेपर आपको देना है, ताकि उसकी तैयारी आप पहले से कर सके। तो चलिए हम आपको बताते हैं वैलेंटाइन वीक के बारे में। वैलेंटाइन वीक में किस दिन कौन सा खास दिन पड़ेगा? पहला दिन यानी कि 7 फरवरी रोज डे। वैलेंटाइन सप्ताह की शुरुआत 7 फरवरी से होती है। सबसे पहला दिन रोज डे होता है, यानी प्यार भरे सप्ताह की शुरुआत गुलाब की महक और खूबसूरती के साथ शुरू होती है। इस दिन प्रेमी जोड़ा एक दूसरे को लाल गुलाब देकर प्यार का इजहार करते हैं और प्यार को जाहिर करते हैं। गुलाब के रंग भी आपकी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, और ऐसे में लोग अब रोज डे पर अपने दोस्त, क्रश और दुश्मनों तक को अलग अलग रंग के गुलाब देकर इस दिन को मनाते हैं। गुलाब के रंग के अलग अलग मायने भी होते हैं। दूसरा दिन 8 फरवरी यानी कि प्रपोज डे। वैलेंटाइन वीक का दूसरा दिन प्रपोज डे होता है। इस दिन आशिक अपने दिल के हाल को बताते हैं, यानी वह जिससे प्यार करते हैं या पसंद करते हैं उन्हें प्रपोज करते हैं। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो अपने पार्टनर को खास तरह से प्रपोज करके अपने रिश्ते को और अधिक मजबूत और पहले से ज्यादा खूबसूरत और एक्साइटेड बना सकते हैं। तीसरा दिन 9 फरवरी यानी कि चॉकलेट डे। किसी भी रिश्ते में प्यार हो तो मिठास अपने आप घुल जाती है, लेकिन वैलेंटाइन सप्ताह में आप मिठास के जरिए रिश्ते में प्यार घोल सकते हैं। तीसरे दिन चॉकलेट डे होता है, जिसमें कपल एक दूसरे को चॉकलेट देकर रिश्ते में मिठास लाने की कोशिश करते हैं। चौथा दिन यानी कि 10 फरवरी टेडी डे। दिल किसी टेडी जितना नाजुक होता है, और हर कोमल दिल में एक बच्चा जरूर होता है, इसलिए वैलेंटाइन सप्ताह का एक दिन टेडी डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन कपल एक दूसरे को टेडी बियर गिफ्ट करते हैं। अधिकतर लड़के लड़कियों को गिफ्ट में टेडी देते हैं, क्योंकि लड़कियों को इस तरह के स्टफ्ड खिलौने ज्यादा पसंद होते हैं। पांचवा दिन 11 फरवरी यानी कि प्रॉमिस डे। जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं या रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो एक दूसरे से कोई ना कोई वादा करते हैं। वैसे तो पार्टनर एक दूसरे से कभी भी और कहीं भी वादे कर सकते हैं, लेकिन वैलेंटाइन वीक के पांचवें दिन यानी कि 11 फरवरी को कपल्स के लिए खास प्रॉमिस डे होता है। इस दिन आप अपने साथी से हमेशा साथ रहने, उन्हें खुश रखने और कई अन्य वादे कर सकते हैं। 12 फरवरी छठा दिन यानी कि हग डे। वैलेंटाइन वीक के छठे दिन हग डे मनाते हैं। इस दिन प्यार करने वाले एक दूसरे को गले लगाकर प्यार जताते हैं। जादू की झप्पी के बहाने लोग अपने दिल के हाल को बताने की कोशिश भी करते हैं। 13 फरवरी यानी कि सातवां दिन किस डे। प्यार को जताने और शब्दों से इश्क न बयां कर पाने पर आशिक प्यार भरे किस से काफी कुछ कह जाते हैं, इसलिए 13 फरवरी को किस डे मनाया जाता है। आठवां दिन 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे सप्ताह का आखिरी दिन होता है। इन 8 दिनों की प्यार की परीक्षा में पास होने वाले आशिकों के लिए 14 फरवरी का दिन रिजल्ट का दिन होता है। पास होने वाले अपने पार्टनर के साथ वैलेंटाइन डे एंजॉय करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।